संदीप रेड्डी वेंगा की फिल्म एनिमल में काम करने के बाद अब बॉबी देओल अपनी दूसरी फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हो चुके हैं, जिस फिल्म का टाइटल है कंगवा। और कंगवा फिल्म की शूटिंग सेट से बॉबी देओल की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि कंगवा फिल्म का बजट करीब 350 करोड़ रुपए के आसपास है और यह फिल्म 2024 की मोस्ट वेटेड फिल्म में से एक मानी जा रही है, जिसमें बॉबी देओल का अहम किरदार होने वाला है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 2023 बॉबी देओल के लिए काफी खास रहा और लंबे समय से उन्हें एक बड़ी हिट फिल्म में काम करने का मौका नहीं मिला था। ऐसे में ये मौका उन्हें संदीप रेड्डी वेंगा ने फिल्म एनिमल के माध्यम से दिया। एनिमल फिल्म में अबरार हक के किरदार में बॉबी देओल ने ऐसी जान फूंकी कि उनका किरदार आज तक लोग नहीं भूल पाए। यही बड़ी वजह है कि इस फिल्म के हिट हो जाने के बाद अब बॉबी देओल पर तमाम मेकर्स पैसा लगाने के लिए भी तैयार हैं। वैसे देखा जाए एनिमल फिल्म में बॉबी देओल का ज्यादा स्क्रीन स्पेस नहीं था। लगभग 3.5 घंटे की फिल्म में बॉबी देओल के किरदार को 10 से 15 मिनट में ही समेट के रख दिया, लेकिन सबके बावजूद बॉबी देओल ने सारी लाइमलाइट बटोर ली। यही बड़ी वजह है कि उनकी अपकमिंग फिल्म कंगवा पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इसी कड़ी में अब बॉबी देओल की कई सारी तस्वीरें फिल्म के शूटिंग सेट से वायरल हो रही है, जहां पर आप साफ तौर पर बॉबी देओल के लुक को देख सकते हैं। पर ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि 350 करोड़ी बजट वाली इस फिल्म में बॉबी देओल का खतरनाक लुक देखने के बाद अब साउथ में भी उनका डंका बच जाएगा। तमिल सुपरस्टार सूर्या की मच अवेटेड फिल्मों में से कंगवा में बॉबी देओल नेगेटिव किरदार में दिखने वाले हैं। ये फिल्म 350 करोड़ रुपए के बजट में बन रही है, जो कि एनिमल से 3 गुना बजट है। ये एक पैन इंडिया फिल्म है, जिसमें दिशा पाटनी भी अहम किरदार निभाने वाली है। कंगवा दमदार टीजर सूर्या के बर्थडे पर आ चुका है। हालांकि मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट का कोई खुलासा नहीं किया है, लेकिन सैकनिक रिपोर्ट की माने तो ये फिल्म 2024 में रिलीज हो सकती है, जिस फिल्म में बॉबी देओल का अहम किरदार होने वाला है। बॉबी देओल ने इस फिल्म के लिए कमर कस ली है और शूटिंग सेट से उनकी तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। और इस वायरल तस्वीर में आप क्रू मेंबर के साथ बॉबी देओल को देख सकते हैं, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब पसंद की जा रही हैं। हैशटैग कंगवा इन दिनों ट्विटर पर ट्रेंड भी कर रहा है, जहां पर बॉबी देओल के लुक को देखने के बाद अब फिल्म की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर पहुंच रही है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि एनिमल फिल्म के हाइप को सिर्फ और सिर्फ बॉबी देओल की वजह से ही इतनी बड़े पैमाने पर मिली थी। ऐसे में मानना गलत नहीं होगा कि कंगवा फिल्म को भी बॉबी देओल अपने कंधों पर ही हिट करवा कर ही मानेंगे। यही बड़ी वजह है कि कंगवा फिल्म के माध्यम से बॉबी देओल का किरदार देखने के लिए फैंस भी काफी एक्साइटेड चल रहे हैं। और इसी कड़ी में बॉबी देओल ने कंगवा फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी है। हालांकि सिर्फ कंगवा नहीं, बल्कि आने वाले समय में वो एक और साउथ की बड़ी फिल्म का हिस्सा बनने वाले हैं। बॉबी देओल पवन कल्याण स्टारर हरिहारा वीरा मल्लू में भी विलन के रोल में ही दिखाई देंगे। फिल्म बनकर तैयार है, लेकिन पवन की कमिटमेंट्स की वजह से इस फिल्म की रिलीज डेट फाइनल नहीं हो पा रही है। हालांकि इस फिल्म की रिलीज की संभावना भी अगले साल की ही जताई जा रही है। इसके अलावा वेब सीरीज आश्रम के 3 सीजन में बॉबी देओल को हम नेगेटिव किरदारों में देख चुके हैं, लेकिन इसके अलावा अगले सीजन में भी पूरी तरीके से विलन के रोल में भी दिखाई देंगे। अदिति पोहाणकर का किरदार पम्मी बाबा निराला बदला लेता हुआ दिखेगा। बॉबी देओल के आश्रम में भी ऑडियंस क्रिटिक्स ने खूब पसंद किया था। क्रिटिक्स ने उनकी अदाकारी को भी सराहा था। फैंस को सीरीज के 4th सीजन का भी बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में दोस्तों आप भी समझ सकते हैं कि 2024 बॉबी देओल के चाहने वालों के लिए काफी खास होने वाला है। सबसे पहले कंगवा, फिर वो पवन कल्याण की फिल्म और आश्रम वेब सीरीज के 4th सीजन को भी लेकर खूब चर्चाओं के केंद्र में बने हैं। बोल दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है और आप बॉबी देओल के इन सभी प्रोजेक्ट को लेकर सबसे पहले किस प्रोजेक्ट को सिनेमाघरों में देखना चाहते हैं? कमेंट कर अपना सुझाव देना बिल्कुल ना भूलें।